नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपनो स्वागत छे। हूँ छु मिहिर रावल। चीन अने पाकिस्तान साथे चालता भारे तनाव वच्चे दुनियानु सौथी घातक फाइटर जेट भारतनी वायुसेना बेड़ामां सामेल थई गयुं छे। दुश्मनोनो काळ गणातुं राफेल अत्याधुनिक मिसाइल अने बॉम्बथी सज्ज छे। दुश्मनोना धबकारा वधारी देतुं राफेल पांचमुं एवुं फाइटर जेट छे जे भारतीय जवानोनो उत्साह वधार छे। चीनना J20 अने पाकिस्तानना F-16 ने हवामां ज काटमाळमां फेरवा माटे सक्षम छे आ राफेल युद्ध विमान। वायुसेना में सामेल थता चीन अने पाकिस्तान ना मोतिया मरी गया। हवे जो आ बन्ने पाड़ोशी देश भारत नी लक्ष्मण रेखा पार करीने प्रवेशवानु जो नक्की करशे के प्रयास करशे तो भारत केवो जवाब आपशे ते जोईशु अमारी आ विशेष रजूआत स्पेशल रिपोर्ट में। पण ए पहेला जोईए आजना दिवसना तमाम मोटा समाचार सुपरफास्ट 2020 में। गुजरात में फरी स्कूलों खुलवा पर नितिन पटेले आप निवेदन। शालाओं खुलवा पर राज्य सरकार ने हाल विचारणा नहीं, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस बाद आंगे आखिरी निर्णय लेवाशे। जीपीएससी ने डीवाईएसपो की प्रीलिम परीक्षा परिणाम जाहिर। 2461 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में पसंदगी में आम मुख्य परीक्षा 24 और 31 जानुआरी वर्ष 2021 में योजा। नवरात्रि अंगे नायब मुख्यमंत्री नीतिन पटेल मोटू निवेदन, कहू कि नियंत्रणों साथ गरबा ने मंजूरी अपाय तेवा संकेत छे। गाइडलाइन की मर्यादा में रही अनुमति आपवा मुद्दे विचारणा छे, योग्य समय गरबा अंगे सरकार जाहेरात करशे। राजकोट में साउंड एंड स्टेज लाइट ऑनर्स एसोसिएशन निर्णय। राजकीय पक्षों ने साउंड सिस्टम भाड़े नहीं आप निर्णय। नवरात्रि में गरबा की मंजूरी अपवा लोग की मांग। अमदावादी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जवा सी प्लेन की सुविधा चालू करने तंत्र की कामगिरी। आंबेडकर ब्रिज नजीक जमीन नो हेतु फेर कर जमीन आप निर्णय। एएमसी कारोबारी समिति में लेवायो निर्णय। काल थी राज्य में दौड़े वधु 40 वॉल्वो एसी स्लीपर बस। एसटी निगम ने करो निर्णय। अमदावाद की सूरत राजकोट वडोदरा रूट पर दौड़े 40 बस। अमदावाद में कोरोना वायरस केसों में उछाड़ो। चांदोड़िया वार्ड में एक दिवस में 262 पॉजिटिव केस। एक साथ कोरोना वधारे केस नोंधाता तंत्र दौड़तू थयु। गांधीनगर कराई पुलिस एकेडमी में कोरोना विस्फोट। एक दिवस में कोरोना 30 केस नोंधाया। कुल 52 लोगों का सैंपल लेवाय। एकेडमी में एलआरडी और पीआई की ट्रेनिंग चाले। अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन संचालित कोविड हॉस्पिटल में 64 डॉक्टर ने कोरोना। एसपीपी हॉस्पिटल में 26, एलजी हॉस्पिटल में 30, शारदाबेन हॉस्पिटल में 8 डॉक्टर कोरोनाग्रस्त। अमदावाद में फरी कोरोना थवानी घटना वधी। एसपीपी हॉस्पिटल में 4 रेसिडेंट तबीबों ने फरी कोरोना थयो। आ तबीबों कोरोना ने मात आपी थी। अमदावाद में 64 तबीबों कोरोना की चपेट में। सीएम रूपाणी हस्ते खेडूत ने वधु 2 योजना की भेट। वीडियो कॉन्फरेंस माध्यम से मुख्यमंत्री पाक संग्रह योजना और किसान परिवहन योजना की शुरुआत। किसान परिवहन योजना हेठ 50 से 75 हजार सहाय तो पाक संग्रह योजना हेठ 30 हजार की सहाय। बनासकांठा मालगढ़ गौशाला की गाय ने संचालकों छोड़ी मूकी। 500 से वधु गाय छोड़ी मूकता डीसा राधनपुर नेशनल हाईवे 27 पर ट्राफिक जाम। गौशाला संचालकों आक्रमक मूड में जवा मब्या। भारत और चीन सीमा रेखा पर तनाव वच्चे भारतीय वायुसेना नवी ताकत पड़ी। फ्रांस से आवेला 5 राफेल विमान भारतीय वायुसेना में विधिवत रीते शामिल थया। 5ही राफेल विमान 17मा स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का भाग बनया। अंबाला एयरबेस पर सर्वधर्म पूजा बाद फ्लाईपास्ट कार्यक्रम योजा। फ्लाईपास्ट में राफेल विमानों तेज तेजस विमान शानदार करतब दर्शाया। जे बाद सारंग हेलिकॉप्टर राफेल विमान स्वागत कर। अंबाला एयरबेस पर फ्लाईपास्ट कार्यक्रम में 5ही राफेल विमान ने वॉटर कैनन की सलामी अपाई। भारत चीन वच्चे तनाव है, जो कि राफेल आवी जता भारतीय वायुसेना ताकत में वधारो थयो छे। अंबाला में राजनाथ सिंह संबोधन में कहू कि वायुसेना में राफेल सामिल थया ते एक ऐतिहासिक क्षण है। हूँ आर्म स्पोर्ट्स और देशवासियों ने शुभकामना पाठवू छू। भारत और फ्रांस वच्चे रणनीतिक भागीदारी है, जो समय साथ मजबूत थती जाए।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसदीय विस्तार में 134 करोड़ विकास कार्य लोकार्पण खातमुहूर्त कर गांधीनगर महानगरपालिका ने 116 करोड़ की वधु रुपयाना कामों ई लोकार्पण खातमुहूर्त कर कलोल और गांधीनगर तालुका में कुल 134 करोड़ की वधु विकास कामों लोकार्पण कर ड्रग्स केस में रिया ने तेना भाई शौविक की जामीन अर्जी अंगे मुंबई सेशन कोर्ट में आती का सुनावी रिया चक्रवर्ती की जामीन अर्जी एनसीबी विशेष अदालते पहला ज नामंजूर की है। रिया ने 14 दिवस माटे पुलिस कस्टडी में पण मोकलाई छे। चीन और पाकिस्तान नहीं बचे। एयरफोर्स में शामिल थे आकाश में दुश्मन नो कार्ड। पत्थरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के हवे सरहद पार नहीं, सरहद माथे थशे प्रहार। दुश्मनों के पास होशियार है तैयार है, रणभूमि में आवी गयो आकाश नो बाहुबली। वायुसेना में राफेल नु थयु राज तिलक। ऑक्टोबर 2019 राफेल नी शक्ति पूजा। 29 जुलाई 2020 राफेल नो गृह प्रवेश। 10 सितंबर 2020 राफेल नु राज तिलक। 8 ऑक्टोबर 2019 ए तारीख छे जारे भारत ना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस में राफेल नी पूजा करी हती। त्यारबाद तेमणे तेमां उड़ान भरी। 29 जुलाई 2020 ए तारीख छे जारे आकाश ना पांच बाहुबलीए भारत में ग्रांड एंट्री करी। 10 सप्टेम्बर 2020 नो दिवस इतिहास में सोनेरी अक्षरे लखाई गयो। आ दिवसे गेम चेन्जर राफेल नु राज तिलक करवामां आव्युं। भारतीय वायुसेना में राफेल की औपचारिक एंट्री पर धमाकेदार रही। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में 17 गोल्डन एरो स्क्वाडन ना पायलटे राफेल जेट की साथ आकाश में करतब बताया। राफेल झड़पी गति साथ वादड़ों ने चीरी ने हवा में उड़ियों ने दिल धड़क करतब कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर राफेल ना वायुसेना में शामिल थवाना कार्यक्रम में जोड़ाया। आ दरमियान तेमणे जणाव्युं कि राफेल नुं वायुसेनामां सामेल थवुं आखी दुनिया माटे मोटो संदेश छे। इनका इंडक्शन पूरी दुनिया खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। राफेल विमान में लागेला हथियारों एवा छे जेने लॉन्च करवा माटे दुश्मन ना विस्तार में प्रवेशवानी जरूर नहीं पड़े। त्यारे दुश्मन ना कार्ड समान पांच राफेल युद्ध विमान वायुसेना में सामेल थई गया छे, जेनाथी दुश्मन देशों थरथर कांपवा लाग्या छे। राफेल ने दुनिया नो सौथी खतरनाक अने विध्वंसक फाइटर जेट मानवामां आवे छे, जेना समावेश थी वायुसेना मजबूत पण थशे अने विध्वंसक पण। सर्वधर्म पूजा पछी आकाशना बाहुबली एवा राफेल फाइटर जेट औपचारिक रीते भारतीय वायुसेना में सामेल थया। राफेल अंबाला एयरबेस पर 17 स्क्वाडन गोल्डन एरोज में सामेल करवामां आव्या।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस ना रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले की हाजरी में दुश्मनों नो कार्ड सेना ना बीड़ा में शामिल थई गयो। एक बाजू भारत चीन सरहद पर तनाव की स्थिति है, आनी वच्चे आ सिद्धि ने घनी ज महत्वपूर्ण मानवामां आवी रही है। भारत में आगमन पछी 43मा दिवसे ते कोईपण ऑपरेशन माटे तैयार थई गयु छे। आथी राफेल ने कहेवामां आवे छे गेम चेन्जर। पानीनी सलामी, मंत्रोनी गूंज, सर्वधर्म संभावनी भावना, राष्ट्र रक्षक राफेल दी सौथी भव्य एंट्री। पोतानी पराक्रमी उड़ाननी साथे आकाशना बाहुबली भारतीय वायुसेना में सामिल थई गया। वॉटर कैनन सल्यूट नी साथे राफेल ने सलामी आपवामां आवी। वायुसेना में परंपरा छे कि जारे पर कोई नवो विमान सेना नो भाग बने छे तो तेने वॉटर कैनन थी सलामी आपवामां आवे छे। वायुसेना में राफेल की औपचारिक एंट्री धमाकेदार रही। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन राफेल की गर्जना थी गूंजी उठ्यो। सत्तर गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ना पायलटे राफेल जेट नी साथे आकाश में एवं दिल धड़क करतब बताव्या कि त्या हाजर लोगों की नजर तेना परती हटी नहीं। दुनियाए भारत का पराक्रम रूप प्रदर्शन निहाळ्यु। दुनिया ने दर्शावता राफेल वायुवेगे वादळो चीरी हवा में उड़ान भरी रह्यु हतु, करतब बतावी रह्यु हतु। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, शॉर्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ यह दुश्मनों के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी एयरफोर्स ने राफेल इंडक्शन के साथ जो कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एज एक्वायर की है वे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को रिवोल्यूशनलाइज करेंगी। राफेल ना राज तिलक ना प्रसंगे फ्रांस रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने भारत ना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीफ गेस्ट तरीके पहुंचा। जा सवारे दिल्ली ना पालम एयरपोर्ट पर तेमने गार्ड ऑफ ऑनर आपवामां आव्यो। अंबाला ना आकाश में जारी राफेल सुखोई 30 तेजस और जगुआर एयरक्राफ्ट की साथ फ्लाईपास्ट में पोतानी ताकत बतावी तो चीफ गेस्ट बनी ने आवेला फ्रांस रक्षा मंत्री पोताने ताली वगाड़ता रोकी न शक्या। कार्यक्रम में हाजर रहेला राजनाथ सिंह ने पण गर्वनो अनुभव थयो। आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि बदलते समय के साथ हमें स्वयं को भी तैयार रहना होगा।
आंखों में गर्व नो भाव लईने सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया पण रफेल नी ऐतिहासिक उड़ान ने निहाळवा माटे अंबाला में हाजर रह्या। पांच राफेल आकाश में अद्भुत करतब करी रहा था। आ पांच राफेल विमानों थी आखो आकाश ध्रुजी उठ्यो। अवाज करता पर वधारे गति थी उड़तु राफेल जेट एकदम शांति थी आव्यो ने जोरदार गर्जनानी साथे आंखना पलकारा में आंखों थी अदृश्य थई गयो। राफेल नो साथ मळवानी खुशी दरेक वायुवीर पण व्यक्त करी रह्यो हतो। रंगबेरंगी हेलिकॉप्टर सारंगे पण अनोखा करतब बताव्या। रोजे हसके खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है, हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है। पोताना सिग्नेचर फॉर्मेशन नी साथे सारंगना हैरतअंगेज करतब जोईने लोको रोमांचित थई गया। सफेद धुमाड़ो छोड़ता मोरनी कलाकृति वाला सारंग हेलिकॉप्टरे वाइन ग्लास क्लोज और डबल क्रॉस फॉर्मेशन ना करतब बतावी हाजर लोगों ने आश्चर्यचकित कर दिया। जमीन थी लई आकाश सुधी हवे भारत सरहद की सुरक्षा अंगे कोई प्रकार की ढील राखवा नहीं मांगतु। राफेल की ताकत ना कारणे भारत ना दुश्मनों ना होश उड़ी गया। राफेल 4.5 जनरेशन रो युद्ध विमान छे। विचारो आ पांच विमानों जारे धरती आकाश ने गुंजायमान करी दीधु तो भारत फ्रांस नी वच्चे थयेला करार प्रमाणे 2022 सुधी भारत ने 36 राफेल जेट मळी जशे त्यारे आपणने ललकारनाराओनी शुं स्थिति थशे। अठार राफेल अंबाला एरबेस पर राखवामां आवशे, बाकीना 18 विमान पूर्वोत्तरना हाशीमारामां तैनात करवानो प्लान छे। राफેલની તાકાત બેમિસાલ છે, તેની વિશેષતાઓ તેને અન્ય યુદ્ધ વિમાનથી ખાસ બનાવે છે। આ વિમાન પરમાણુ હુમલો પણ કરી શકે છે। अनेक अन्य विशेषताओं ने कारण राफेल दुनिया ना सर्वश्रेष्ठ विमानों में जानीतु थई गयु छे। जानी लेजो कि आखरे केम राफेल नु नाम सांभळी दुश्मन ने परसेवो छूटी जाय छे। आयु युद्ध विमान छे जे अनेक मिसाइल थी भरपूर छे अने तेनी असली ताकत ज छे तेमा लागेली चार मिसाइल। हिंदुस्ताने विशेष करी दुश्मनों पर सटीक निशान माटे तेमा खास मिसाइल लगावी छे जे एर टू ग्राउंड 60-70 किलोमीटर थी लई 550 किलोमीटर सुधी दुश्मन ने नेस्त नाबूद करी शके छे। बीजी कई कई विशेषताओ छे राफेल मां जो आ खास अहेवाल मां। एलएसी पर तनाव नी वच्चे नवी ताकत बनशे राफेल। दुश्मन ना कैंप मां खौफ नु बीजू नाम छे राफेल। एक बार राफेल ए दुश्मन ना ठेकाणा पर उड़ान भरी लीधी तो समझो दुश्मन नेस्त नाबूद। फ्रांस तरफ थी भारते 36 राफेल विमान मळवाना छे जेमांथी 5 राफेल भारतीय वायुसेना मां सामेल थई गया। હવે તમને બતાવીશું રફેલની તે વિશેષતા જે તેને અન્ય યુદ્ધ વિમાનો કરતા ખાસ બનાવે છે। જાણી લો કે રફેલનું નામ સાંભળીને દુશ્મનને પરસેવો છૂટી જાય છે। આ એવું યુદ્ધ વિમાન છે જે અનેક વિશેષતાઓથી ભરપૂર છે જેમાં તેની અસલી તાકાત છે તેમાં લાગેલી મિસાઇલ હેમર મિસાઇલ હિન્દુસ્તાને પોતાના દુશ્મનો માટે તેમાં ખાસ લગાવી છે। एर टू ग्राउंड मिसाइल छे हैमर ते 60-70 किलोमीटर ना अंतर मां दुश्मन पर हुमलो करी शके छे। राफेल ने बीजे विश्वासपात्र मिसाइल छे मीटियोर।
आ सुपर पावर विमान में मीटियोर मिसाइल लागेली छे। 150 किलोमीटर दूर विमान नो नाश करी शके छे। आवी एक मिसाइल की कीमत 20 करोड़ रुपया छे। तेनी त्रीजी ताकत छे स्कल्प मिसाइल। हवाती जमीन पर हुमलो करनारी मिसाइल नी रेंज 300 किलोमीटर छे। त्रणे मिसाइल लॉन्च करवा माटे भारते सरहद ओळंगवानी जरूर नहीं पड़े। एलओसी के एलएसी नी बीजी बाजू पण नहीं जवू पड़े। तिब्बत में 500 किलोमीटर नी रेंज में जो कोई दुश्मन नु ठेकाणु हशे तो रफेल तेने ध्वस्त करी नाखशे। पाकिस्तान ने चीन बनने पासे आ मिसाइल की टक्कर माटे कोई हथियार नहीं। अलग पहलू से देखना है। पहले है कि अगर 5 विमान इस एला दर्जे के विमान आए हैं तो इस वक्त जब एक बड़ी भारी सैनिक की चुनौती पूर्वी लद्दाख में है तो थोड़ी सी मदद हो सकती है, खासकर क्योंकि इसमें एक बड़ी एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल है मीटियोर। वैसी मिसाइल तो कहीं भी नहीं, सारे विश्व में नहीं है। उसके बाद उसके शस्त्र हैं, बाकी चीज़ें हैं, मगर गेम चेंजर तभी हो सकती है कि जबकि आपके पास 126 रफेल विमान आते। राफेल ने एक बीजा स्पेशल हथियार थी सज्ज करवा माटे भारते फ्रांस साथ एक इमरजेंसी डील करी छे। जे प्रमाणे राफेल मा स्पाइस 2000 बॉम्ब लगावामां आवशे जे दुश्मन ना मजबूत बंकर ने क्षणवार मा तबाह करी नाखशे। राफेल मा एवा हथियार छे जेनाथी बचवू दुश्मन माटे नामुमकिन छे। हवे तैनाती आगळनी ताकात पण समझी लो। राफेल हवाती हवा ने हवाती जमीन पर हुमलो करवा माटे सक्षम छे। ते परमाणु हुमलो करवानी क्षमता पण धरावे छे। अभिमान 3D मैपिंग करी रियल टाइम मा दुश्मन नी पोजीशन शोधवा मा सक्षम छे। राफेल नो हुमलो करवानी क्षमता 350 किलोमीटर सुधी छे। राफेल एक मिनट मा 60,000 फूट नी ऊंचाई सुधी उड़ान भरी शके छे। जारे 55,000 फूट नी ऊंचाई थी बॉम्ब फेंकवा मा सक्षम छे। भारत डसॉल्ट कंपनी के साथ जो डसॉल्ट राफेल की कंपनी है, हमने 54 में तूफानी लिया, उसके बाद हमने 57 में मिस्टियर लिया, उसके बाद हमने 80s में मिराज लिया और अब हमने चौथा जहाज उनका लिया है। इसका मतलब है कि ये कंपनी हमारा साथ, हमारे को जानती है, हमारा साथ निभाती है और इसलिए इतना उम्दा वेपन हमें दिया है। ये हमारे को बहुत ही सही वेपन मिला है। राफेल 2200-2500 किलोमीटर प्रति कलाक नी झड़पे उड़ान भरी शके छे। हवा मा ईंधन भर्या पछी ते 10 कलाक सुधी सतत उड़ी शके छे। ते 24,500 किलोग्राम वजन उठावीने उड़ान भरी शके छे। 2022 सुधी मा भारते 36 राफेल विमान मणी जशे। आ फाइटर जेट ने तेना हथियार हकीकत मा भारतीय एरफोर्स माटे गेम चेंजर साबित थशे। કેમ કે ચીન ને પાકિસ્તાન પાસે રાફેલ ને ટક્કર આપનારું એક પણ ફાઇટર જેટ નથી। તો સ્પેશિયલ રિપોર્ટ માં હતા આજના મોટા મુદ્દા। गुजरात देश ने दुनिया ना मोटा मुद्दा साथे आवतीकाले फरीथी मळीशुं नवा एपिसोड मां। नमस्कार।